बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपको उर्दू इन पेज सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की इंस्टॉलेशन का तरीकेकार बताएंगे। आम तौर पे उर्दू इन पेज सॉफ्टवेयर, जैसे कि नाम से जाहिर है कि उर्दू टेक्स्ट राइटिंग के लिए यूज होता है, इस्तेमाल होता है। उर्दू के अल्फाज को लिखने के लिए, जोड़ने के लिए हम उर्दू इन पेज सॉफ्टवेयर का या प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपके सिलेबस में शामिल है कि उर्दू इन पेज को कैसे इंस्टॉल किया जाए, उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए और उसमें कैसे पैराग्राफ राइटिंग या वर्ड या अल्फाज लिखे जाए, तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कि उर्दू इन पेज को हम कहाँ से इंस्टॉल करें, कैसे इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर पे। और दूसरी बात हम ये देखेंगे कि उर्दू इन पेज में कीबोर्ड की तरतीब जो होती है वो बड़ी अहम होती है। कौन सा कीबोर्ड हम तरतीब दें या इस्तेमाल करें कि जिसकी मदद से हम उर्दू के हर्फ तहज्जी या अल्फाज मुनासिब टाइप कर सकें। तो उर्दू इन पेज सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उर्दू इन पेज को कैसे इंस्टॉल करें, पहले हम ये देखेंगे। फिर उसके बाद उर्दू इन पेज में कीबोर्ड की तरतीब सबसे अहम काम होता है कि कीबोर्ड की सिलेक्शन या कीबोर्ड कौन सा इस्तेमाल किया जाए जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर पे उर्दू के अल्फाज या हरूफ तहज्जी आराम से लिख सकें, एहतियात के साथ जो आप चाहें। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम उर्दू इन पेज इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जाएंगे गूगल सर्च इंजन पे, और गूगल सर्च इंजन पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे कि उर्दू इन पेज टाइप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा उर्दू इन पेज, और उर्दू इन पेज टाइप करने के बाद जैसे ही सर्च का बटन आप क्लिक करेंगे, दबाएंगे, तो आपको उर्दू इन पेज से मुतालिक मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मिलेगी। उर्दू इन पेज के मुख्तलिफ वर्जन अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, जिसमें उर्दू इन पेज 2009, उर्दू इन पेज 2012, जो कि विंडोज से कंपेटिबल होता है या विंडोज के साथ आसानी से चल सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करने के लिए हम उर्दू इन पेज की वेबसाइट पर जाएंगे, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उर्दू इन पेज। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे उर्दू इन पेज की वेबसाइट स्क्रीन पे आ चुकी है। यहां से हम आसानी के साथ उर्दू इन पेज का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उर्दू इन पेज प्रोफेशनल मुख्तलिफ वर्जन इनके अवेलेबल है, और डाउनलोड के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो उर्दू इन पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उनकी मुख्तलिफ स्लाइड्स चल रही हैं उर्दू इन पेज की ऑफिशियल, कि पूरी दुनिया में उर्दू इन पेज का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उर्दू टाइप करने के लिए, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए। यहाँ एक डाउनलोड का बटन भी आपको नजर आएगा, इस डाउनलोड के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप उर्दू इन पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको डाउनलोड का लिंक मिलेगा, जिस डाउनलोड के लिंक पे आप क्लिक करके आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, एंड्रॉयड कीबोर्ड भी है, विंडोज भी है, और मुख्तलिफ वर्जन अवेलेबल हैं जिनको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि उर्दू इन पेज सॉफ्टवेयर के अंदर हम, अब स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि हमने उर्दू इन पेज सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया। उर्दू इन पेज 2009 सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है, डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं शॉर्टकट आइकन बना हुआ है उर्दू इन पेज 2009। उर्दू इन पेज 2009 और 2012 यानी 2009 और 2012 का जो वर्जन है वो कंपेटिबल है विंडोज के साथ और बहुत आसानी के साथ चलता है। अब हम इसे रन करेंगे सॉफ्टवेयर को, जब उर्दू इन पेज को रन करेंगे तो हम इस सॉफ्टवेयर में दाखिल हो जाएंगे, जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं। इसी तरह का ये एक सॉफ्टवेयर है टेक्स्ट एडिटर, जो कि सिर्फ उर्दू लिखता है, उसके साथ साथ हम इसमें इंग्लिश भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इंग्लिश भी एक हद तक हम इसमें लिख सकते हैं, लेकिन खास तौर पे ये उर्दू राइटिंग के लिए बनाया गया है। और हम इसमें देखते हैं कि अब इसको रन करते हैं, फिर सॉफ्टवेयर में दाखिल होने के बाद हम इसमें कीबोर्ड की तरतीब करते हैं। तो आइए स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि अब हम उर्दू इन पेज सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हैं। राइट नाउ वी आर इन उर्दू इन पेज सॉफ्टवेयर, और इसमें लाजिम है कि हम उर्दू में ही एक्सप्लेन करें। तो उर्दू इन पेज सॉफ्टवेयर में जैसे कि हम दाखिल हो चुके हैं, आपके सामने स्क्रीन पे उर्दू इन पेज है। अब इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइल के मेन्यू में जाएंगे और न्यू करेंगे। जैसे ही आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, जैसे एम एस वर्ड में करते हैं, तो एक विंडो अपेयर होती है, आती है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। इसमें पेज का साइज होता है,
उसकी विड्थ हाइट और तमाम चीजें होती हैं मिलीमीटर में, जैसे कि एमएस वर्ड में यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है, वैसे ही आप इसमें कर सकते हैं। इसको लैंडस्केप भी ले सकते हैं, यहाँ से पोर्ट्रेट भी ले सकते हैं, वही स्टाइल जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद होता है। तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली विदाउट एनी चेंजिंग, कोई तब्दीली किए बगैर हम इसे ओके कर देंगे, ओके के बटन पे, तो आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी व्हाइट कलर की, कैनवस या उर्दू इन पेज का डॉक्यूमेंट आ गया, जहां पर आप उर्दू इन पेज टाइप कर सकते हैं। अब आपके सामने कीबोर्ड से मैं कोई भी करेक्टर टच करता हूँ तो वो मुख्तलिफ उर्दू के अल्फाबेट्स टाइप करेगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसका फॉन्ट का साइज छोटा है तो आप फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं, यहाँ फॉन्ट मेन्यू है जैसे एमएस वर्ड में होता है, 12 पॉइंट दिया गया यानी 12 पॉइंट, तो इसको हम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर 26 पॉइंट हमने कर दिया। आपके सामने मैं अलिफ लिखना चाह रहा हूँ तो ए प्रेस करता हूँ तो ए से अलिफ नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि आपका कीबोर्ड है उसकी जो तरतीब है वो फिनोटिक्स नहीं है, यानी कि उसके मुवाफिक नहीं है उर्दू अल्फाबेट्स की आवाज के लिहाज से। जैसे अलिफ की आवाज ए से मैच करती है, बे की आवाज बी से मैच करती है, और एम की आवाज यानी मीम की आवाज एम से मैच करती है, ये फिनोटिक्स कहलाता है। इसी तरीके से पे जो है वो फिर किससे मैच करेगी साउंड, इंग्लिश अल्फाबेट पी से। तो ये चीज हम जो है तरतीब देते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे एडिट के मेन्यू में जाएंगे, एडिट के मेन्यू में जाने के बाद आप प्रेफरेंसेस पे जाएंगे तो एक और मेन्यू ओपन होगा सीधे हाथ की तरफ दाएं तरफ, तो आप देख सकते हैं इसमें होगा कीबोर्ड प्रेफरेंस, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे तो अब आपके पास कीबोर्ड प्रेफरेंस में एक मेन्यू आएगा जिसमें कीबोर्ड की तरतीब होगी या उसका इंतखाब होगा यानी सिलेक्शन होगी, इंतखाब करेंगे आप कीबोर्ड का जो कि आपके साथ आसानी से चल सके। इसमें मुख्तलिफ कीबोर्ड भी हैं, आप देख सकते हैं यूजर डिफाइंड कीबोर्ड 1, 2 एंड सो ऑन, और बहुत सारे हैं। तो इसके अलावा मोनोटाइप भी है और हम जो सिलेक्ट करेंगे इसमें फारसी भी, अरबिक भी है, कश्मीरी भी है। हम जो कीबोर्ड सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे इंग्लिश कीबोर्ड के साथ फिनोटिक्स यानी साउंड से मैच करे वो है फिनोटिक। ये सिलेक्ट करने के बाद यानी तरतीब इंतखाब करने के बाद फिनोटिक्स का आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, अब आपका कीबोर्ड जो है इंग्लिश अल्फाबेट से तरतीब के लिहाज से अरेंज हो चुका है, तरतीब हो चुकी है, अब मुवाफिक है ए के लिहाज से। अब मैं ए दबाऊंगा तो अलिफ आएगा, आप देख सकते हैं, बी दबाऊंगा बे आएगा, टी दबाऊंगा तो पे आएगा। अब अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो वो पे आपस में क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। अगर आप दो अल्फाज को जोड़ना नहीं चाहते तो आप कीबोर्ड से स्पेस बार को दबाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहता हूँ दुनिया, तो मैं डी दबाऊंगा डी, फिर मैं डी से दाल आ गया, अब मैं दबा प्रेस करना चाहता हूँ नून तो एन प्रेस करूंगा, तो ये देखें एन प्रेस करने से नून आ गया। फिर उसके बाद ये चाहिए तो मैं क्या प्रेस करूंगा, आई प्रेस करूंगा, आई प्रेस करूंगा तो उससे ये आ जाता है, और अब मुझे अलिफ चाहिए तो मैं दोबारा ए प्रेस करूंगा तो आपके सामने आ गया। फिर उसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ एस अलिफ सीन, सीन दबाने के लिए एस दबाना पड़ेगा, इस वाओ अगर मैं चाहता हूँ तो डब्ल्यू दबाऊंगा, वाओ फिर काफ में चाहता हूँ दोनों के वाला तो मैं क्यू दबाऊंगा, फिर मुझे ए चाहिए दोनों के वाला तो टी प्रेस करूंगा। तो दुनिया इस वक्त मुश्किल एम, फिर मुझे शीन चाहिए तो मैं क्या दबाऊंगा, शीन के लिए मुझे एक्स दबाना होगा, आप देख सकते हैं एक्स मैंने प्रेस किया। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो मुख्तलिफ अल्फाबेट से आप मुआफिक हो जाएंगे और फेमिलियर हो जाएंगे और आपको आदत हो जाएगी कि किस अल्फाबेट को प्रेस करें तो वो इंग्लिश का अल्फाबेट जो है उर्दू के अल्फाबेट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करें। तो इस वक्त मुश्किल, अब मुझे काफ चाहिए तो मैं के दबाऊंगा, लाम चाहिए तो जाहिर सी बात है आप एल प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। मुश्किल दुनिया इस वक्त मुश्किल, दुनिया इस वक्त मुश्किल दौर, फिर डी में प्रेस करूंगा, वाओ और फिर आर प्रेस करूंगा, आ गया इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर, जी फिर आर रे के लिए और फिर जे के लिए जेड गुजर, फिर रही फिर आर, हे चाहिए तो मैं ओ प्रेस करूंगा और मुझे छोटी ये चाहिए तो फिर मैं प्रेस करूंगा आई, गुजर रही और फिर हे लिखना है तो आप क्या करेंगे, ओ प्रेस करूंगा मैं और वाई प्रेस करूंगा तो आ जाएगा है गुजर रही है। तो आप
देखा स्टूडेंट्स मैंने किस तरीके से एक करेक्टर एक लाइन टाइप करी और शुरू के लिए मैंने अल्फाबेट्स टाइप करे, इनको आप डिलीट कर सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए अलिफ बे पे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उर्दू इन पेज में आप उर्दू के अल्फाज जो हैं उनसे आपको फेमिलरिटी हो जाएगी या आपको आसानी हो जाएगी या आपको मालूम हो जाएगा कि किस इंग्लिश के अल्फाबेट को आप प्रेस करें तो उर्दू का करेक्टर या हर्फ स्क्रीन पे आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज का उर्दू इन पेज का लेसन या सबक पसंद आया होगा और आप इस सबक को अपने कंप्यूटर पे अप्लाई करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि उर्दू इन पेज सॉफ्टवेयर के अंदर आप राइटिंग कर सकें। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।